डिपार्टमेंट एग्जाम क्लास 9th 11th के बच्चों के लिए दोस्तों दो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ गई है। गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों एक नया लिस्ट जारी कर दिया गया है। तो एवरी 9th 11th के बच्चे दोस्तों जिनकी कंपार्टमेंट आ रखी है एक सब्जेक्ट में या फिर दो सब्जेक्ट में, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग का जो है 9th 11th का कंपार्टमेंट एग्जाम में काफी कम टाइम बचा है, तो सभी बच्चों से मेरा पहला जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट होगा वीडियो को शुरू करने से पहले, अब दोस्तों आप लोग थोड़ा सा और ज्यादा जो है टाइम दीजिए, क्योंकि सीरियस होने का वक्त आ गया है। कंपार्टमेंट एग्जाम में काफी कम टाइम रह गया है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों कंपार्टमेंट के कुछ पेपर भी मैं आपको दूंगा, तो आज की इस वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कंपार्टमेंट को लेकर सारी चीजें आपको मेरे चैनल पर इसी तरीके से आपको देखने को मिलता रहता है। सबसे पहले दोस्तों हम शुरुआत करेंगे इस वीडियो का, गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों यहां पे एक लिस्ट को जारी किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की खबरों की माने दोस्तों तो यहां पर 9th 11th के बच्चों को लेकर कहा यह जा रहा है। सबसे पहले आप लोग यहां पे पहली चीजों को समझिए, उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा 9th 11th के बच्चे और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स जो है क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस बार भी जो है 9th 11th के बच्चों को प्रमोट किया जाए। पूरा खबर को अच्छी तरीके से समझिएगा। सबसे पहले आप लोग देखिए गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों इस बार जो डेटा शेयर किया गया है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों इस बार जो है पूरे जो है यहां पे दिल्ली में जो है 30% बच्चे दोस्तों, यानी कि हर एक 100 में से दोस्तों यहां पे 30 बच्चे जो है दोस्तों इस बार 9th 11th में फेल हो गए, यानी कि चाहे वो एक सब्जेक्ट में फेल हुए हो या फिर दो सब्जेक्ट में फेल हुए हो, लेकिन ये आंकड़ा दोस्तों काफी बड़ा है। यानी कि दोस्तों यहां पर जो है इंडियन एक्सप्रेस की खबरों की माने तो यहां पर कहा जा रहा है कि हर एक 100 में से दोस्तों इस बार जो दिल्ली का रिजल्ट आया है उसमें 30% बच्चे दोस्तों यहां पर फेल हो गए। बातें सिर्फ दोस्तों यहां पर नहीं रुकी दोस्तों, आप लोग आओगे और भी यहां पर देखेंगे तो आप लोग भी दोस्तों यहां पे एक प्रकार जो है शॉक्ड हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप लोग देखेंगे दोस्तों तो 9th क्लास का जो है रिजल्ट का यहां पे एक डेटा शेयर किया गया है इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से, तो 9th क्लास का रिजल्ट में रिसेंटली दोस्तों देखेंगे तो 2023 में काफी बड़ा ड्रॉप यहां पे देखने को मिल रहा है, यानी कि केवल दोस्तों 9th का रिजल्ट में यहां पे 60% के करीब दोस्तों यहां पे रिजल्ट बताया जा रहा है। इससे पिछले के साल में 88 उसके बाद 80 और इस तरीके से दोस्तों आप लोग और भी साल में पीछे जाते जाएंगे तो कुछ इस तरीके से सिमिलर रिजल्ट 9 का रहा है। अगेन दोस्तों यहां पे 11th में आएंगे तो 11th में भी दोस्तों आप लोग देखेंगे तो इस बार रिजल्ट में काफी बड़ा ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा। लास्ट के दोस्तों 3 साल में आप लोग देखेंगे तो 96 96 96, उससे पहले 80 का रिजल्ट रहा है, लेकिन अब तक का सबसे ज्यादा ड्रॉप आप लोग यहां पे कह सकते हैं 2018 के बाद दोस्तों आप लोग देखेंगे तो 2023 में सबसे बड़ा दोस्तों यहां पे रिजल्ट में ड्रॉप देखने को मिल रहा है 11th क्लास का। 11th में दोस्तों केवल 69% बच्चे दोस्तों यहां पे इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहां पे पास बताए जा रहे हैं। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद दोस्तों अब देश भर के पेरेंट्स और साथ ही साथ काफी सारे स्टूडेंट्स दोस्तों ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से लास्ट के यानी कि बात के दोस्तों तो ये जो हैच आपको लगा हुआ है, ये हैच का मतलब है दोस्तों कि ये जो साल था इस साल में जो है ऑनलाइन रिवॉल्यूशन किया गया था, कोविड के वजह से बच्चों की पढ़ाई यहां पे दिक्कत हुई थी, इस कारण जो है इस साल ऑनलाइन रिवॉल्यूशन किया गया था। तो पेरेंट्स भी दोस्तों इस साल भी मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से लास्ट 3 साल में जो है 11th क्लास के बच्चों को जो है ऑनलाइन जो है कोविड का जो है कोविड और साथ ही साथ जो है ऑनलाइन एजुकेशन का हवाला देते हुए जो है उन्हें पास किया गया, उसी तरीके से इस साल भी बच्चों को पास किया जाए, क्योंकि इस साल भी 2023 के जो बच्चे हैं यानी कि जिनकी इस वक्त अभी कंपार्टमेंट आई हुई है या फिर काफी सारे बच्चे दोस्तों जो फेल हो गए हैं उन्होंने भी जो है पढ़ाई नहीं कर पाए अच्छी तरीके से, क्योंकि स्टार्टिंग जब इनका सेशन चालू हुआ था तो ऑलरेडी इनका सेशन जो है काफी लेट चालू हुआ था 11th का, ऊपर से सेशन लेट चालू हुआ था और काफी टाइम तक दोस्तों ऑनलाइन सेशन चला जिसके कारण इनकी भी पढ़ाई नहीं हो पाई। तो अलग अलग जो है दोस्तों देश भर के जो है पेरेंट्स दोस्तों अब इसके बाद सवाल उठाने लगे हैं। ऐसे में दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट को जो है मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इन बच्चों की बातों को सुनी जाए, क्योंकि इनके साथ जो है यहां पे जो मार्क्स कम हुआ है इनका मार्क्स कम होने का रीजन इनके पास भी कोविड वाला है। लेकिन दोस्तों आप लोग भी नीचे इसको लेकर क्या कहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको भी लगता है दोस्तों जिस तरीके से प्रीवियस ईयर में जो है यानी कि आपके पिछले 1 से 2 साल में जो है गवर्नमेंट ने जिस तरीके से बच्चों को जो है यहाँ पे राहत दी और जिस तरीके से बच्चों को पास किया सिमिलर उस तरीके से जो है इस बार भी बच्चों को जो है यहाँ पर सर्कुलर जारी करके जो है पास करने का ऑर्डर दिल्ली गवर्नमेंट को देना चाहिए, इसको लेकर आप लोग नीचे कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल दोस्तों अब बात करते हैं आपके एग्जाम को लेकर। दोस्तों काफी सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरा एग्जाम काफी ज्यादा करीब आ चुका है, कल मैंने आपसे सिलेबस दोस्तों मांगा था तो सिलेबस जो है काफी सारे बच्चों के जो है कमेंट्स आ गए सिलेबस के रिगार्डिंग। मोस्ट ऑफ द बच्चे दोस्तों यही कह रहे हैं कि मेरा 9th 11th का जो पूरा कंपार्टमेंट का जो मेरा सिलेबस है फुल सिलेबस है, यानी कि फुल सिलेबस वाले दोस्तों ज्यादा यहां पे बच्चे निकल के सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं फुल सिलेबस जिन भी बच्चों का है
टीचर्स का भी दोस्तों यही कहना है कि आप लोग दोस्तों जो एनुअल के लिए जो चीज़ें आपने पढ़ी थी वही सेम चीज़ें आपकी पढ़नी है, यानी कि एनुअल में आपका जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट रहा था या भी एनुअल एग्जाम के लिए जब आप तैयारी कर रहे थे तो जो जो चैप्टर का वेटेज हाई था उसी अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ाई करिए, कंपार्टमेंट का भी पेपर उसी तरीके से आएगा। लेकिन आप लोग काफ़ी सारे जो है यहाँ पे एनुअल पेपर को लेकर या सैम्पल पेपर को लेकर काफ़ी सारे आप लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि कुछ पेपर भी हमें दे दीजिए, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, वहाँ पर आप लोग जाके क्लिक करिए। आपको काफ़ी सारे ऑलरेडी पेपर मैंने पहले भी अपलोड कर रखा था, लेकिन और भी अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि और भी पेपर हमें दिया जाए, तो आपके रिक्वेस्ट पे दोस्तों मैंने जो है 7 से 8 पेपर जो है आप लोग के लिए और भी अपलोड कर दिया है। ये सब कुछ दोस्तों आपको जो है मेरे उस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों कंपार्टमेंट के एग्जाम में दोस्तों एक चीज आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, एवरी क्वेश्चन को अटेंड करना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। एवरी क्वेश्चन अटेंड करने को लेकर दोस्तों टीचर्स भी कह रहे हैं, और साथ ही साथ दोस्तों बोर्ड का जो अलग अलग जो सर्कुलर है वहां पर भी दोस्तों ये चीजें कही गई है कि क्वेश्चन अटेंड करेंगे तभी आपको जो है पास किया जा सकता है, क्वेश्चन आप अटेंड करेंगे एवरी क्वेश्चन तभी दोस्तों आपको कुछ नंबर दिया जा सकता है। तो एवरी क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश जरूर करिएगा, आपने जो भी एनुअल के लिए पढ़ा है वो सारी चीजों को पढ़िए, जो आपके एनुअल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था सेम वही इंपॉर्टेंट जो है इस बार आपके कंपार्टमेंट के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए आपको अलग पढ़ना है, वही सेम चीजें पढ़नी है आपको, जो जो इंपॉर्टेंट एनुअल के लिए था वही सेम चीजें पढ़नी है। और कुछ पेपर भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में जो दिया वहां पर जाके वो पेपर को भी देख लीजिएगा, पहले आप लोग एनसीईआरटी कर लीजिए उसके बाद जो है आप लोग गाइड कुछ ले रखे हैं तो दोनों को कॉम्बिनेशन से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा काफी सारे बच्चे सपोर्ट मटेरियल को लेकर बोल रहे थे तो सपोर्ट मटेरियल भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोग को एनसीईआरटी क्लियर होगा तभी जो है सपोर्ट मटेरियल आपको हेल्प करेगा, तो सपोर्ट मटेरियल एनसीईआरटी को साथ में भी लेकर चल सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से भी पढ़ाई कर सकते हैं। आगे स्टूडेंट्स आपके लिए जो भी हो सकेगा मेरे चैनल पर आप लोग जुड़े रहिएगा, सारी चीजें आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा, साथ ही साथ स्टूडेंट्स आगे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आएगी वो सारी चीजें आपको मेरे चैनल पर इसी तरीके से देखने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कंपार्टमेंट को लेकर एवरी दोस्तों ईच एंड एवरी अपडेट जो है आपको मेरे चैनल पर इसी तरीके से देखने को मिलता है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, जय हिंद।